जय सियाराम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। आज विराट हिंदू संत सम्मेलन सधर्म संसद काफ़ी उत्साह के स्वरूप में भगवान शंकराचार्य अध्यक्षानंद देवतीर्थ जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें भारत एवं बिहार के अनेक के जिले से संत महात्मा आए। और आप सभी ने देखा है किस प्रकार उत्सुकता थे धर्म संसद में। शंकराचार्य जी ने हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं और धर्म को मार्ग पर किस प्रकार चलना है। भारत पहले हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म संसद करने का एक ही लक्ष्य था, उसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि हम सभी जितने संत महात्मा हैं, हम अनेक पंथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, सभी एक मंच पे आए और एक साथ बैठकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए, भारत को पुनः विश्व गुरु तो है लेकिन और मजबूती से भारत विश्व का नेतृत्व करे, उसके लिए हम सभी आज यहाँ पर बैठकर धर्म संसद की चर्चा हुआ। और उसमें भगवान शंकराचार्य ने आदेश दिया कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, घर घर का, गांव गांव का जब मंदिर, राम मंदिर तो बन गया है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन हमारे घर में भी ऐसे राम मंदिर बनना चाहिए, हमारे गांव का जो मंदिर है उसका भी उद्धार होना चाहिए। जब वो बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, तभी यह भारत पुनः हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू राष्ट्र है लेकिन एक उद्घोष की आवश्यकता है, सिर्फ यानी डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जो आज धर्म संसद हुआ है इसका आवाज ऊपर तक जाएगा और सरकार भी इस पे विचार करेगी। बाबा जी, आपने आवाज लगाया सीहोर लोकसभा के कोने कोने से, कई जिला से लोग जो है यहाँ पे खुद गाड़ी बंधा करके, भाड़े करके यहाँ तक पहुँच गए, कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? देखिए, मैं पहले ही बोला था, जहाँ तहाँ का बरनत सब लोग और सही देखे देखन जोगी। या संतों का कार्यक्रम था, कोई यहाँ भाड़े किराए पे किसी भी कार्यकर्ता से आप माइक लगा के पूछ लीजिएगा, किसी को लाया नहीं गया था, सब लोग अपने गाड़ी बांध के यहाँ हम ही बात पूछ रहे थे। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ, कोई भाड़े किराए पे यहाँ कार्यकर्ता को लाया नहीं गया, संतों का है और श्रद्धा से आए हैं। क्या आपने सोचा था कि पूरा सीहोर संत और भक्तों में लीन हो जाएगा, पूरा सीहोर एकदम विलय हो गया? जय श्री राम, जय अखिलेश्वर दास की जय हो। सांसद कैसा हो तो अखिलेश्वर दास जैसा हो, और लोगों का प्यार आपके लिए उभर गया, क्या सोचा था आपने कैसा होगा? मैं लगातार यहाँ प्रयासरत हूँ, लगातार प्रयत्न करता हूँ, लगातार जनता के बीच में ही हूँ और जनता की सेवा ही करता हूँ। और संत सम्मेलन का एक ही लक्ष्य था, सनातन हमारा मजबूत कैसे हो, सीमावर्ती इलाके में है, लेकिन जो भक्त लोग, मैं भक्ति बोलूँगा एक महात्मा होने के नाते, जो हर एक गली से, सीवर लोकसभा ही नहीं, बिहार से भी आए हैं, बिहार के बाहर से कुछ, हमारे महाराष्ट्र के भी कुछ, परभनी के भी है, तो सभी आए हैं और श्रद्धा से आए हैं और भगवान शंकराचार्य के दर्शन करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शास्त्र कहता है संत दरस जिमि पातक तरही, संतों के दर्शन से ही जीवन का पाप क्षय होता है और पुण्य का उदय होता है। धीरे धीरे जो है आप लोगों के दिल में जगह बनाते जा रहे हैं, गहराई तक घुसते जा रहे हैं। जैसे शंकराचार्य जी का संबोधन खत्म हुआ, इधर से देखे कुछ सैकड़ों लोग जो थे खड़े होकर के नारा लगाने लगे, योगी अखिलेश्वर दास जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो। क्या लगता है कि लोग आपको सांसद की गद्दी तक पहुंचा के चले गए? मुझे लगता है आपने बोला दिल में, तो जगह दिल में ही होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। और इस बात का हर्ष है और खुशी भी है कि मेरे लिए लोगों ने अपने दिल में, हृदय में जगह रखा है, यह सराहनीय है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आपका मेरे प्रति प्रेम है और इस प्रेम का ऋण मैं चुकाऊंगा। कई एक लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया, अलग अलग पंडाल में अलग जगह पर जाकर के, लोग कह रहे थे कि इस बार तो इनको टिकट बीजेपी पक्का देगी, चूंकि हम लोग का भरपूर समर्थन, आप टिकट नहीं मांग रहे हमें पता है, लेकिन आपकी जनता ही आपके लिए टिकट मांग रही है, इस पे जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आ रहा हूँ, अब कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा, संगठन विचार करेगी, लेकिन मैं आ रहा हूँ। क्या कुछ मोटिव लगे सीहोर लोकसभा के लिए आपके लिए? बस सीहोर लोकसभा जनता के आज जो संत सम्मेलन परिपूर्ण रूप से, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो आज पूर्ण हुआ है, इसके लिए समस्त जनता जनार्दन को धन्यवाद, हमारे जितने वॉलंटियर थे सभी का धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। चुनाव का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा में? अभी ये आज एक जो मंच था, विराट हिंदू संत सम्मेलन था, तो मुझे लगता है मैं इस विषय पे कुछ ना बोलूँ आज तो उचित रहे। लेकिन लोग तो आज ही बोल रहे हैं ना कि सांसद हो गए अखिलेश्वर दास जी, तो उनको मेरे प्रति प्रेम है, वो मेरे प्रति प्रेम है, उनको आशीर्वाद है। एक बात खोलिएगा बाबा, किस पार्टी से बाबा चुनाव लड़ेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन का, कई मर्तबा सांसद रह चुकी है यहाँ से महोदया रामा देवी जी, विकास नहीं हुआ, आपसे लोग क्या उम्मीद करेंगे कि आप भाजपा से ही आएंगे? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में देश में हर जगह विकास हुआ है, यहाँ दो रहा है बाबा,
आपकी तो भाजपा यहाँ क्या कर रही थी बाबा? तो ये प्रश्न आप उन्हीं से कीजिए। अच्छा, हाँ ये प्रश्न आप उनसे कीजिए। दूर दराज से जितने लोग यहाँ चल के आए, कार्यक्रम को सफल तरीके से बनाए, घंटों लोग बैठ के सभी के बातों को सुने, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ आज के लिए, और धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आए और संतों के सुने, क्योंकि शास्त्र कहता है जे न कथा हरि कथा सुनी नहीं काना, तो जिसका कान सर्वरंध्र रही भवन समान, जिसने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुना उसका कान सर्प के कान के समान होता है। तो सभी ने आके अपने आँख का भी जो आँख है उसका संतों का दर्शन किए, कानों से सुने हैं, और मुख से भगवान का नाम का भी जप हुआ है, इसलिए उन सभी को खूब आशीर्वाद और आप सभी मीडिया वाले को धन्यवाद। जय जय सियाराम।